बिग बॉस पहले भी कोशिश कर चुका था और सेकंड बार में कामयाब हो गया। इंटरव्यू देखा, अनुराग भाई रो भी रहे थे पर हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज शाम हो रही है और आज मंगलवार का दिन है, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर से आएंगे फिर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। आज मंगलवार है और बहुत ही ठंड हो रखी है, काफ़ी ठंड हो रखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। तो चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर बात करते हैं। गाइस देखो, मंदिर में आ गए हैं और बस पंडित जी का वेट कर रहे हैं। जैसे पंडित जी आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर चलेंगे, ठीक है, बाहर। और आदत बहुत गंदी लग गई है, पर मैं ठंड में ना जैकेट नहीं डालता यार, बहुत ही गंदी आदत हो गई है मेरे को। ठंड में ना जैकेट वैकेट बिल्कुल नहीं डाल रहा और ना अंदर बिल्कुल खाली सा, और हवा आ रही है सीधा छाती पे। देखो हवा सीधा आ रही है छाती पे मेरे, कसम से। मंदिर की आवाज़ यार इतनी अच्छे से आ रही थी कि मैं, दिल हुआ कि जाओ यार, तो इसलिए मैं मंदिर में चल गया। तो गाइस यही है आज का दिन। बहुत ही ऐसे शुरू में बहुत अच्छा नहीं था, शाम आते आते अच्छा हो गया, मज़ा आ गया और शॉर्ट मिल गया और रखी है मस्त। थोड़ा फियरलेस हो रहा हूँ पब्लिक में भी। अब गाइस सुनने में आ रहा है UK 07 की लड़ाई होगी बिग बॉस में, बहुत बड़ी कसम से। और सुनने में तो ये बहुत आ रहा है कि क्रिएटर टीम से लड़ाई हो गई। ओहो यार, और उसे बिग बॉस से भी निकाल दिया, और वो भी वोटिंग से नहीं, कंटेस्टेंट जो होती है, जो भी है उनके वजह से। यार बहुत ही गलत है यार, ये तो सिस्टम ही ख़राब है। अभी आराम से चल के बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अभी भीड़ भड़का है और इसलिए। मेरे यहाँ तो इतनी वो हो जाती है, मेरे को लगता है कि इतने बजे लग रहा है भूत भूत आता है और सब अंदर भाग जाते हैं भाई यार, कसम से। अरे यार ठंड भी तो है यार इतनी, तभी कारण मेरे को लग रहा है। चलो घर ही चलते हैं भाई, हमें भी तो ठंड लग रही है, हवा नहीं चल रही, अच्छी बात यह है, लेकिन सही है यार। देखो गाइस, ठंड में ऐसे कम्बल में घुसे रहेंगे, बस हो गया गाइस, ठंड में रहो और कम्बल में घुसो। और इसको देखो बैठे बैठे प्रसाद मिल रहा है, तो ज़्यादा ऐस कर रही है, क्योंकि पुण्य तो उसको वैसे ही मिलेगा जो ये मैं मांग के लाया हूँ। ले ले भाई, ले ले मजे, तू भी ले ले, क्या हो गया भाई, हम तो लेते रहते हैं, तुम भी लो भाई मजे, जाओ खाओ, टीका लगाओ फिर खा लो, ठीक है। बहुत ही आराम से मिल गया ना। और गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, दिख नहीं रहा है, ठंड लग रही है, दिख रहा है। 2 घंटे पहले UK 07 राइडर का एक पॉडकास्ट आउट हुआ और मैंने वो पूरा वे इंटरव्यू देख के ख़त्म किया। अनुराग भाई की पूरा व्यू पॉइंट देखा मैंने कि बिग बॉस कैसे बायस्ड हो गए थे उस समय भाई से। अनुराग भाई बहुत सारे पॉइंट अनुराग भाई ने बोला कि बिग बॉस ने उनके जो स्टोरी थे 3 महीने के अंदर, मतलब उनके व्यू पॉइंट को अच्छे से नहीं रखा, ठीक है, बल्कि यहाँ उसी जगह बहुत कंटेस्टेंट का रखा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 महीने के अंदर, मेरे हिसाब से ऐसा, तुम जाके देख सकते हो वो इंटरव्यू। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 महीने में अगर बंदा, तुम देखो कोई गूंगा तो है नहीं, वो अनुराग भाई इतना मस्त इंसान है, ठीक है, और उनके सामने ऐसे ऐसे बातें रखी गई कि उनके व्यू पॉइंट को नहीं दिखाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब कोई सोच सकता है भाई, अगर तुम किसी शो में अपने सबसे दूर दूर, और अचानक से तुम्हें बोला गया तुमसे कोई मिलने नहीं आया, और सब उस बात को तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम देखो तू कैसा इंसान है, तेरे बाप माँ कोई मिलने नहीं आया तुझसे, तो उस समय मैं सोच सकता हूँ कि अनुराग भाई की मेंटल ट्रॉमा कितना बड़ा हो गया होगा, कि वो सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे माँ बाप नहीं आए। यार ये कितनी गलत बात है बिग बॉस की यार, शिट। इस चीज़ से हमें, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, हमारे हमारी यूट्यूबर भाई लोग हैं, ठीक है, उनको इतनी तो बात पता चल गई होगी कि बिग बॉस की डार्क साइड तो पता चल गई होगी, कि बिग बॉस अगर किसी के लिए अच्छा करता है तो किसी के लिए बुरा भी कर सकता है। ऐसा किसी ने बोला था मेरे को, मतलब मैंने किसी ने सुना था, मैंने यूट्यूब पे ही कोई बड़ा यूट्यूबर है उसने बोला था कि बिग बॉस के हाथ में कि तुम्हें कैसा दिखाना है कैसा नहीं, ठीक है। और यूट्यूबर वालों को तो भाई पता ही है, एक की हाइप बनी थी अभिषेक अभिषेक फुकरा भाई से और उसके एलविश भाई से, ठीक है, दोनों से बनी थी हाइप, तो उन्होंने वही चीज़ हथकंडे अपनाए। भाई देखो कुछ नहीं कर सकते भाई, देखो शो पहले से बायस्ड हो चुका था कि हम कर रहे हैं बायसनेस, तो किसके साथ कर रहे हैं, हम कपल्स के साथ बायसनेस करेंगे भाई। अनुराग भाई को मतलब वो नहीं था कि अनुराग भाई ने बहुत जगह कोशिश की कि अपने व्यू पॉइंट को रखना, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ अनुराग भाई के साथ। अच्छा ही हुआ यार वो शो से निकल गया, बस
इतना मेंटल ट्रॉमा सहने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। वैसे अगर जीतते तो बहुत खुशी होती, लेकिन कोई नहीं, वोटिंग से तो हराया नहीं उन्होंने। मेंटली 100 गेम खेला, मेंटल गेम खेला उन्होंने अपना और निकलवा दिया भाई को। पर क्या कर सकते, देखो उनका शो, उनका प्लेटफॉर्म, वो जाए कुछ कुछ भी करे, ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक है अनुराग भाई, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बायनेस तो होती है, बिग बॉस है वो, बिग बॉस कुछ भी चाहे कुछ भी करवा सकता है भाई। और बस यही है, मैं भाई बस आप ठीक रहो, क्या हो गया, ठीक है, आपके आपके साथ सब है ठीक है, हमारी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है ठीक है। हम सब जानते हैं कि आपको वैसे तो हरा नहीं सकते थे, इसी इसी कारण हराया। तो गाइस देखो, इसी बात को मैं कहूँगा कि एलविश भाई ने भी पहले बोल दिया था कि ऐसा करेंगे, ठीक है। एलविश भाई ने भी बोल दिया था पहले कि ऐसा होने वाला है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात तो थी नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं। हमें सबको पता था कि बिग बॉस पहले भी कोशिश कर चुका था और सेकंड बार में कामयाब हो गया, तो बस खत्म भाई। देखो मेरे गाल लाल हो रहे हैं, तुम भी सोचोगे भाई क्या हो गया गाल, भाई ठंड है ना, और मैं थोड़ा सा होता है स्किन थोड़ी रेड रेड पड़ जाती है मेरी, तो ऐसी है। और गाइस इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, टिल देन बाय, मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट व्लॉग में, हमारा पेपर भी है। तो यही था गाइस, देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आज मंगलवार था, बस भगवान करे सबको सुखी रखे मेरे बाबा, ठीक है, तुम सबको अच्छे से तरक्की दे 2023 फिर से हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूँ, आज 2 तारीख है ठीक है, जन्म आ जाता है बार बार, पर कोई नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से सबको भगवान आगे तरक्की दे ठीक है, जो देखे वो ना देखे सबको ठीक है, बस मौज कर दो अपने काम में, मेहनत करो, खत्म भाई ठीक है। अनुराग भाई तो कर लेंगे, वो तो है ही, बस वही है मेंटल ट्रॉमा है बहुत जगह, कोई नहीं, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, अनुराग भाई रो भी रहे थे, पर कोई नहीं छोड़ो। इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।